नमस्कार लर्नर्स, आपका स्वागत है NIOS के लाइव वीडियो प्रोग्राम में। और आज हम बात कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में छोटे छोटे, बिल्कुल अगर हम नेकेड आइज से अगर उनको नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर हम देखें तो बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और उन सेल के क्लस्टर्स को हम टिश्यूज कहते हैं, उनके ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। और जिससे हमारा ये ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन के बाद उसके जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करता है वो सेल। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विद द कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। And the study of tissue is known as histology. जो group of cells है, जिनका एक common origin है, same structure है, और functions भी almost similar है, तो हम उनको अगर उस group के cells को हम बोलते हैं tissue। तो cell जो होता है एक fundamental unit है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड ये जो बॉडीज ऑफ हमारी जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बॉडीज जो हैं, दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड साइजेस। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एग्रीगेट टू कलेक्टिवली परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, एंड सच ग्रुप ऑफ सेल्स आर टर्म्ड टिश्यूज। तो ये जो हमारा लेसन है वो डील करने वाला है, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज यही रहेगा कि हम वेरियस काइंड ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम एनिमल टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम चाहेंगे कि हम प्लांट टिश्यूज के बारे में भी जानकारी लें। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक टिश्यू जो है वो है ग्रुप ऑफ सेल्स विद अ कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंड इसमें जो प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, एक है मेरिस्टमेटिक और एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, और उनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसिस नहीं होती है। अगर हम मेरिस्टमेटिक टिश्यूज की बात करें तो दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम जिसमें जो कि डिसाइड करते हैं और डिफाइंड करते हैं ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट एंड देयर ब्रांचेस, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो होती है जो इंटरनोडल ग्रोथ को बढ़ने में हेल्प करते हैं। और अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो ये सेकेंडरी ग्रोथ, जो ग्रोथ इन थिकनेस ऑफ द प्लांट बॉडी जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेम से होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं इनके फंक्शंस की, अगर हम बात करें, अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम में रूट टिप एंड शूट टिप की बात हो रही है। जी, ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलती है? रूट टिप में एंड शूट टिप में। ये डिफाइन करती है, जैसे मैंने बताया कि इसका फंक्शन है ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द प्लांट एंड देयर ब्रांचेस। अब अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये बेस ऑफ द लीव्स और एट द बेसिस ऑफ द इंटरनोड्स मिलती है, और ये इंटरनोडल ग्रोथ को सपोर्ट करती है इन मोनोकॉट्स एंड ग्रोथ ऑफ लीफ लैमिना भी इन ग्रासेस विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसका फंक्शन होता है। तो लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो कैम्बियम जो होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में वो उसको बढ़ाती है, जिससे कि ग्रोथ इन द थिकनेस ऑफ द प्लांट बॉडी आपको सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। अब अगर हम देखें यहां डायग्राम में तो लोकेशन ऑफ द मेरिस्टमेटिक टिश्यूज ऑफ इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में देखेंगे तो डेवलपिंग लीव्स में अगर आप देखें तो एपिकल मेरिस्टेम आपको उसके बिल्कुल ऑन द टिप आपको नजर आएगा, और लेटरल बड इन एक्सियल ऑफ लीफ अगर आप देखें तो यहां लेटरल जो इंटरनोडल ग्रोथ होती है वो हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होती है। और अगर आप
प्रोकैम्बियल स्ट्रेंथ देखेंगे तो उसमें जो सेल्स हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करते हैं. सी जो ऑप्शन है आप उधर देखिए, प्रोकैम्बियल स्ट्रेंथ, इसमें हम लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है जो प्लांट बॉडी की ग्रोथ को इंक्रीज करता है. तो जैसे हमने बात की कि मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यूज के. मैंने क्या बताया आप लोगों को कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द मेरिस्टमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. सो परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है या तो वो पूरी तरीके से रुक गई होती है और या फिर थोड़े टाइम के लिए रुकी होती है. अगर हम टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं तो सिंपल टिश्यू को अगर देखेंगे तो जो सिंपल टिश्यूज हैं दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, और उसमें जो कॉमन सिंपल टिश्यू है वो अगर बात करते हैं हम तो पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है एंड स्क्लेरल काइमा है. तो कॉम्प्लेक्स, ये तो हुई बात सिंपल टिश्यू. तो सिंपल टिश्यू में हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. बट अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. अब ये डिफरेंस आपको साफ नजर आ रहा है कि सिंपल टिश्यू क्या होता है, वो एक ही टाइप के सेल्स से बनता है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दे आर वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट. सो अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है हमारे सामने जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. अब अगर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा के फिगर्स. जो पैरेनकाइमा है वो हमें पिथ एंड कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट में मिलता है, और जो पैरेनकाइमा अगर हम देखें तो वो मेसोफिल सेल्स में भी मिलता है, मेसोफिल ऑफ लीव्स में मिलता है, एंडोस्पर्म ऑफ सीड में मिलता है. ऐसे ही कोलेनकाइमा जो होता है वो एक्वेटिक मतलब स्टेम्स एंड लीव्स के पेरिफेरल रीजन में मिलता है, और अगर स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो दीज आर द फाइबर अकर इन पैचेस और कॉन्टिन्यूस ब्रांच इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द मैनी. अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये स्क्लेरिड्स होते हैं, दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड सीड्स. सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने बात किया कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं वो है जाइलम एंड फ्लोएम. एंड जाइलम एंड फ्लोएम की बात मैंने, जैसे मैंने बताया, दे हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन द प्लांट. तो जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम इन साइड द प्लांट एंड दैट इज फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम एंड लीव्स. सो वाई दे आर नोन एज वेस्कुलर टिश्यू, क्योंकि ये दोनों मिलके वास्कुलर बंडल बनाते हैं रूट्स एंड स्टेम में. अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम इज ए कंडक्टिव टिश्यू, जैसे कि मैंने बोला कि विच कंडक्ट्स वाटर एंड सॉल्ट अपवर्ड रूट टू लीव्स. एंड जाइलम में अगर हम देखें तो ट्रैकेट्स जो कंपोज ऑफ ट्रैकेट्स वेसल्स फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा. बट फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम इज ऑल्सो अ कंडक्टिव टिश्यू, बट इट कंडक्ट्स द फूड मेटाबोलाइट्स, फूड सिंथेसाइज इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एंड जो फ्लोएम होता है दैट इज कंपोज ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. तो अभी तक हमने क्या जाना, अगर आप ये देखो तो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में बात की है. तो ये आप देख सकते हैं कि अपने स्क्रीन पर, और इवन ये आपकी बुक्स में भी मौजूद है, आप उधर से भी इसको रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं. इसमें आप ट्रैकेट्स देख पा रहे होंगे, ट्रैकेट्स जो होते हैं वो लॉन्ग सेल्स होते हैं एंड दे आर पॉइंटेड, दे आर हैविंग अ पॉइंटेड एंड्स एंड उनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है एंड लिग्निन से बनी होती है. और वेसल्स जो होती है, जितने भी इनमें जो टिश्यूज होते हैं ये लिविंग होते हैं या डेड, तो अगर आप देखो तो जाइलम के जितने भी टिश्यूज हैं दे आर डेड,
ओनली जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर उसमें जितने भी टिश्यूज इन्वॉल्व्ड हैं दे आर डेड एंड ऑल ऑफ देम आर फंक्शन एज अ यूनिट टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल अपवर्ड फ्रॉम रूट टू लीव्स. अब अगर फ्लोएम की बात करें तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर आप इसमें देख पा रहे होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा, दे आर ऑल लिविंग सेल्स एंड ऑल ऑफ देम फंक्शन एज अ यूनिट टू ट्रांसलोकेट फूड एसिमुलेटेड इन द लीव्स. जो फूड इंटरनली सिंथेसाइज होता है उसको वो एसिमुलेशन का काम करता है. और फ्लोएम के अगर जो जिसे कहते हैं टिश्यूज जो होते हैं वो अगर उसमें आप देखो तो सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर, दीज आर द मतलब कंपोज्ड ऑफ दिस ट्रैक सीव ट्यूब एलिमेंट्स. तो ये तो बात हुई प्लांट टिश्यू की. तो हम एक छोटा सा एक रिवीजन लेते हैं. प्लांट टिश्यूज जो होते हैं दे आर मेरिस्ट मतलब टिश्यूज जो होते हैं दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स. एंड जो इनके टाइप्स होते हैं उसमें अगर हम बात करें तो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं. और मेरिस्टमेटिक टिश्यूज की बाद उसमें हम बात करते हैं कि उसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और जिसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू में अगर हम बात करते हैं तो वो है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. दे हेल्प्स इन द जैसे एपिकल मेरिस्टेम है दैट हेल्प्स इन द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑफ द बॉडी. एंड जो एपिकल जो लेटरल मेरिस्टेम है दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी. फिर परमानेंट टिश्यूज हैं. परमानेंट टिश्यूज में हमने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स की बात की. सिंपल में हमने बात की पैरेन्काइमा टिश्यू, क्लोरेन्काइमा टिश्यू, उनके बारे में बात की. और अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें तो हमने उसमें जाइलम एंड फ्लोएम की बात की. जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में मैंने आपको बताया कि जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अदर पार्ट. अब हम बात कर रहे हैं कैटेगरीज ऑफ एनिमल टिश्यूज. जैसे हमने प्लांट टिश्यूज को डिवाइड किया डिफरेंट टाइप्स में, ऐसे ही हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं हमने उनको चार भागों में बांटा. एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स एंड नर्वस टिश्यू. अगर नर्वस आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि किस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होता है और कैसे दिखते हैं वो, और कैसे इसको हम और डिटेल में आगे जानने की कोशिश करेंगे. तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज द टिश्यू विच इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स एंड कवर्ड द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. हमारे जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है, आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं उसको, वो होती है एपिथेलियल टिश्यूज की. एंड ये हमारी बॉडी कैविटीज को और हॉलो बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं उनको भी एक आउटर कवरिंग देती है. तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो ब्लड वेसल्स एंड डक्ट्स इसके एग्जाम्पल हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करते हैं तो एपिथेलियल सेल्स जो भी होते हैं दे आर फ्लैट और क्यूबोडियल और कॉलिमिनार शेप में होते हैं. इनकी जो डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप देख सकते हैं तो ये एपिथेलियल टिश्यू है और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो सिंपल क्यूबोडियल टिश्यू है, सिंपल स्क्वैमस है, सिंपल कॉलिमिनार है. और ये डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज हैं. और अगर आप देखो तो इनके बीच में दे आर क्लोजली पैक्ड. अगर आप देखोगे तो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें आपको नहीं दिखेगा. और ये एक नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इनके नीचे जहां से ये डिवाइड होते हैं. एंड दे आर नॉट सप्लाइड विद एनी ब्लड वेसल. इनमें कोई ब्लड वेसल्स या कुछ भी आपको नहीं मिलेगा. तो अगर स्क्वैमस की बात करें, आपको दिख रहा होगा कि स्क्वैमस जो है ये हमारे लंग्स की जो लाइनिंग है उसमें मिलता है और लाइनिंग ऑफ किडनी में मिलता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज में मिलता है. तो ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में, और O2 और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. अब आप क्यूबोडियल की तरफ देखें, क्यूबोडियल एपिथेलियम की तरफ देखते हैं तो ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं.
अगर आप देखो तो ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं विद अ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, आप इसमें देख सकते हो, और जो सेल्स हैं दे अपीयर लाइक अ पॉलीगोनल। तो ये जो हमारी सलाइवरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स जो होती हैं उनकी लाइनिंग में ये मौजूद होते हैं और ये हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। अब अगर हम सीलिएटेड एपिथेलियम की बात करें, सीलिएटेड एपिथेलियम इसमें नहीं दिया हुआ है पिक्चर में, बट उसमें एक फ्री सीलिया होता है एंड दैट हेल्प्स इन द लाइन फ्लो ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। मतलब अगर जैसे यूरिन पास करते हैं तो उस दौरान ये फिल्ट्रेट का काम भी करता है, फॉर फ्लो ऑफ फ्लो में काम करता है, फ्लो को मेंटेन करने में काम करता है। अब देखते हैं कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। कॉल्यूमिनार एपिथेलियम को अगर आप देखें तो दे आर लॉन्ग कॉलम लाइक सेल्स होते हैं एंड ईच विद न्यूक्लियस एट द बेसल एंड, आप देख पा रहे होंगे, और ये हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होते हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो ये इस तरीके से काम करते हैं और ये इनका जो काम है हमारे लिए मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा एक जो आउटर लाइनिंग होती है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइए एक बार फंक्शंस की बात कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस की तरफ अगर हम देखें तो इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सीक्रेशन एंड सेंसरी फंक्शन। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये किसी भी तरीके से हमारे को हमारी जो आउटर लाइनिंग, हमारी जो स्किन की भी लाइनिंग आप देखोगे तो वो एपिथेलियल टिश्यूज से ही बनी होती है एंड इट प्रोटेक्ट्स इन द अंडरलाइंग टिश्यूज। मैंने बताया कि जैसे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो टिश्यूज से बने हुए हैं, तो इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज, अंदर की जो लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी मैकेनिकल इंजरी और किसी भी जर्म्स की एंट्री इससे हो पाना संभव नहीं है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड, और ये जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइनिंग में ये हेल्प करती है, ये एब्जॉर्प्शन में काम करती है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में काम करती है। एक्सक्रीशन की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीलिएटेड एपिथेलियम की हम बात करें तो वो नेफ्रिक जो फिल्ट्रेट में फ्लो का काम कर मतलब मेंटेन करवाती है, तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ यूरिन फेरस ट्यूबुल्स इन किडनी हेल्प इन द एक्सक्रीशन। सीक्रेशन में अगर बोलें तो मैंने लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट सीक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस। सेंसरी फंक्शंस की बात करते हैं तो सेंसरी एपिथेलियल इन सम ऑर्गन सच एज स्किन, आई, ईयर, नोज रिसीव सेंसरी स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट नर्व इंपल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये एपिथेलियल टिश्यू और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में हेल्प करता है हमारे को, हमारी बॉडी कितनी ही मतलब कितनी सुंदर संरचना है हमारे शरीर की कि हर काम हमारी बॉडी अपने तरीके से चीज़ों को संभाल लेती है, एक अथाह समुद्र की तरह की जो एक्सेप्ट किया जाता है वो करती है, नहीं तो निकाल देती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में, क्यूबोडियल एपिथेलियम, तो हम एक छोटा सा रिवाइज फॉर्म में देख लेते हैं इसको। स्क्वेमस एपिथेलियल की बात की थी तो मैंने उसमें बताया था कि दीज आर फ्लैट एंड स्केल लाइक पॉलीगोनल सेल्स, और उसमें लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में स्क्वेमस एपिथेलियम में, तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। अगर क्यूबोडियल एपिथेलियम की बात करते हैं तो ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, और ये इनका एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें तो लाइनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। और कॉल्यूमिनार एपिथेलियम की बात करते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और दीज आर कॉल्यूमिनार एपिथेलियम जो होते हैं वो टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप बताएं कि टिश्यू किसे कहते हैं और टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें आप प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में बता सकते हैं, और डिटेल में जाके आप उसको ये भी बता सकते हैं
कि एनिमल टिश्यू में कितने टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम की। इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूबोडियल होते हैं, कॉलुमिनार एपिथेलियन होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी उसमें दिया हुआ है, आप अपने मॉनिटर पे अगर देखेंगे तो। कॉलुमिनार एपिथेलियम जो होता है दे हैव सीलिया ऑन देयर आउटर सरफेस, तो इसीलिए हम उसे क्यूबोडियल सीलिएटेड एपिथेलियल सेल भी कहते हैं। और जैसे मैंने बताया यूरिन फ्लो में वो हेल्प करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर डेवलप फ्रॉम द एपिथेलियम एंड दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। सो अगर मल्टी सेल्युलर ग्लैंड जो होते हैं दे फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स, एंड यूनिसेल्युलर ग्लैंड की बात करें तो ये आइसोलेटेड सेल्स इन अ कॉलुमिनार एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करते हैं तो उसमें सच एज ग्लैंड्स आर स्वेट ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। सो मस्कुलर टिश्यूज में अगर हम अब हम बढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की बात हुई थी अभी तक कितने टाइप के होते हैं, अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं दे आर लॉन्ग नैरो सेल्स एंड कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो दे आर एडजेसेंट मसल फाइबर एंड हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज एंड दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो दैट हेल्प द बॉडी इन टू कीप इन अ मूवमेंट। सो देर आर टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज अगर हम देखें तो स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्ट्रेटेड मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। तो ये किस तरीके से काम करती हैं अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेड जो मसल्स हैं वो उनका फंक्शन और उनके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं दीज मसल्स आर अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन देयर मूवमेंट एज सच दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। ये बोन्स से अटैच्ड होती हैं और देखिए मैं इमेज दिखाती हूँ आपको। तो स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं ये बोन से अटैच्ड होती हैं और ये इसको हम कहते हैं स्केलेटल लाइक मतलब ये अगर आप देखें तो ये स्केलेटन से अटैच्ड होती है, हेड से अटैच्ड होती है, लिम्ब से। इनकी अगर शेप पे अगर आप देखो स्ट्रेटेड मसल्स की दे आर इलांगेटेड सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं। इनमें जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं इन द साइटोप्लाज्म दैट देयर आर स्ट्रिएशन, मतलब एक तरीके का स्ट्रिएशन आपको नजर आएगा इसका। और इसका जो सार्कोलेमा है वो थिन होता है और टफ मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और ब्लड सप्लाई देयर इज अ रिच ब्लड सप्लाई इन मस्कुलर ये स्ट्रेटेड और इसको हम वॉलेंटियरली मसल भी कहते हैं। और अनस्ट्रेटेड मसल्स की बात करें या इनवॉलेंटियरली मसल्स की बात करते हैं या स्मूथ मसल्स की बात करें तो जो इन ये मिलते हैं बॉडी ऑर्गन्स लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन और ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, आप देख पा रहे हो स्पिंडल शेप्ड और टेपर्ड एंड्स होते हैं इनके, देखिए बिल्कुल पॉइंटेड एंड्स दिख रहे होंगे आपको और इसमें किसी भी तरीके की स्ट्रिएशन नजर नहीं आएगी। और मायोफिब्रिल जो होता है वो बहुत यूनिफॉर्मली अरेंज्ड नहीं होता है, ये थिन सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं और इसमें कोई सार्कोलेमा नहीं होता है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और सेंट्रली प्लेस्ड होता है इसका वो। और इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो पुअर होती है और ये इनवॉलेंट्री क्यों कही जाती है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जो स्केलेटल मसल्स की बात करें तो वो हम अपने विल के अकॉर्डिंग हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ अनस्ट्रेटेड मसल और स्मूथ मसल हम उसको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं वो कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स में देखिए आप, कार्डियक मसल्स में ये वॉल्स ऑफ हार्ट में मिलती है,
ये काफ़ी इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है और इसमें स्ट्राइप्स आपको दिखेंगे। और जो इसका सार्कोलेमा है वो थिन होता है और इसमें एक न्यूक्लियस इन ईच यूनिट सेंट्रली प्लेस्ड होता है और ब्लड सप्लाई इसमें अच्छी होती है और ये इनवॉलेंटियरली होता है। इसमें हम ये अपनी ही स्व इच्छा चलते रहते हैं, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती क्योंकि कार्डियक मसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है अगर आप देखो तो वह उसमें वो अपने ही फंक्शन होता है। तो हमने अनस्टेटेड मसल्स के बारे में भी बात किया, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अनस्टेटेड मसल जो स्मूथ मसल्स होते हैं देयर मूवमेंट इज नॉट अंडर आर विल एंड हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलेंटरी मसल्स। सो दे आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। और अगर हम स्ट्रेटेड मसल्स की बात करते हैं तो दे आर फाउंड इन लिम्स, टंग। और कार्डियक मसल्स की बात करें तो दीज मसल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द वॉल ऑफ हार्ट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल हार्ट में मिलेंगे। और ये ब्रांच्ड मसल्स होती हैं, इसमें किसी भी तरीके की स्ट्राइप्स आपको नजर नहीं आएंगे। अगर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कार्डियक मसल्स जो होती हैं स्ट्रक्चरली रिजेंबल होती हैं और दे आर सिमिलर टू स्मूथ मसल एंड दीज मसल्स वर्क रैपिडली एंड रिदमिकली एंड टायरलेसली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग एंडलेसली थ्रू आउट आर लाइफ। आज के लिए बस इतना और धन्यवाद आपका।